ऑपरचुनिटी जबरदस्त, स्ट्रॉबेरी है मैदे के लिए जबरदस्त है। लोग इस बार स्ट्रॉबेरी को रमजानों में बड़े मजे से खाएंगे, फ्रूट चाट में यूज करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर वाली जो चल रही है ना, सियालकोट वाली, ये उमूमन इंशाल्लाह इसका टाइम है कोई 10-15-20 दिन चलेगी, हो सकता है कि ज़्यादा भी चल जाए, 15-20 रमज़ान तक भी चल जाए। वैसे लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। पहले तो कराची साइड में सिंध वाला का ज़्यादा माहौल था, वो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा रुझान सिंध वाली करती थी, लेकिन इस साल जो है ना, दूसरे 2 से 3 सालों से ज़्यादा रुझान हो गया मुल्तान वाली स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि सिंध वाले जो हैं वो अच्छा माल भराई नहीं कर रहे, इस वजह से अब मुल्तान वाले माल पे ज़्यादा तवज्जो है। वजह ये है कि इसकी फसल अच्छी हुई है, ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, फ्रूटिंग अच्छी हुई है, तो लोगों को मिल रही है और सस्ती भी है, गरीबों तक रसाई है इसकी भाई। अब ये देखें, आपको दोनों में वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा है, आपको ये इसके खाने में टेस्ट में फ़र्क होगा, इसके टेस्ट में फ़र्क होगा। तो क्वालिटी ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है? क्वालिटी ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। जब आप इसका शेक बनाएंगे तो ये जो हरापन है, ग्रीनपन है, ये सख्त ही रहेगा, ये ग्लैंड कम होगा और ये ग्लैंड जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके और इसके टेस्ट में दोनों में फ़र्क आएगा। रेट 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो कराची मंडी में, शहर में आपको 150 रुपये किलो की मिलेगी। हम यहाँ पे बेच रहे हैं 100-120 रुपये किलो, तो आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं और शहर में क्या रेट चल रहे हैं। अगर शहर में आप रेहड़ी वाले से पूछेंगे तो यही अनेर मचाएगा कि यहाँ पे तो बहुत महंगी मिल रही है, खर्चे हैं ये वो, और यहाँ आते तो बोलते हैं कि भाई वहाँ पे बाजार नहीं है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम 80 रुपये भी बेच रहे हैं, 100 रुपये भी बेची है, कल मैंने 150-160 रुपये किलो के हिसाब से बेची थी। तो ये माल के डिपेंड करता है कि अच्छा माल हो तो अच्छा दाम बिकता है, अगर थोड़ा हल्का माल हो या लेट हो जाए गाड़ी तो वो लेट माल। स्ट्रॉबेरी मार्केट में बहुत है, लेकिन उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ दिनों में दाम बहुत ज़्यादा थे, 160-170 रुपये किलो बिक रही थी, तो लोग उधर व्यापारियों ने जब सुना कि यहाँ पर महंगी हो रही है तो लोगों ने दबा के माल इधर भेजा, मुल्तान से लाहौर से इधर आया, लेकिन यहाँ पर अभी पिट गई है। ये खाने को तो एक फ्रूट है, लेकिन इसके हम जिस तरह परवरिश करते हैं बच्चों की तरह करते हैं, और इधर कराची में लेकर आते हैं, फिर हम इसको बेचते हैं और अच्छा खासा हमें पैसे मिलते हैं। ये बड़ा मंडी है, इसमें रेट भी 10-20 रुपये ऊपर है पंजाब से, शहर भी बड़ा है, मतलब कि खाने वाले लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं इधर, और चीज़ भी अच्छी है, कटिंग भी ज़्यादा है। 40 साल अच्छा सीज़न लगा है, पिछले साल तो बहुत लॉस हुआ था, लेकिन इस साल माशाल्लाह अच्छा सीज़न हुआ है, रेट अच्छा चला है। ये सबसे पहले तो उधर शरपुर शरीफ में काश्त हुई है, उसके बाद फिर मुल्तान में, इधर सिंध में भी लगती है, लेकिन वो कामयाब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी है ना वो इधर शरपुर में ही होती है, ज़िला शेखुपुरा में, उस उधर ही स्टार्ट हुआ है, फिर पूरे मुल्क में फैला है ये, लेकिन अभी भी शरपुर का जो फ्रूट है ना वो सबसे बेहतर है।